नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और चालू कर दिल भैया निश्चित भोजपुरी। आज हम बात कर बनी, हाँ आज हम बात कर बनी एगो भोजपुरी सिनेमा जोना फिल्म के नाम बा कलयुगी ब्रह्मचारी टू। हाँ तो भैया कलयुगी ब्रह्मचारी टू अचानक से फिल्म के पोस्टर सोस्टर टेलर वेलर मैं लॉन्च हो गया। हाँ और वो लॉन्च भले आज के नहीं के भैया दो दिन पहले के भैया। अब हम देखें अंत में तो कहीं हरियर तक गबड़ा गई रह ट्रेलर के रिव्यू भी कर दिया जब बता ही दिल जाए कि नाम के भी फिल्म आई बा। चलिए एक रिव्यू करम और जाने कोशिश कर ली कि फिल्म का बा कैसन बा और कितना ब्लॉकबस्टर फिल्म होखे वाला बाटे। चलिए सबको देखा जाने का तो काम कर, चैनल बना बने सब्सक्राइब लाइक कमेंट सब कुछ कर दी। चलिए हमें फिल्म को चालू कर लिया जाना फिल्म के नाम भैया कलयुगी ब्रह्मचारी टू। देखिए कलयुगी ब्रह्मचारी नाम से वो फिल्म आई रहे, अभी यूट्यूब पर रिलीज बटे रहो लोग चाहें तो देख सकते। वो फिल्म बतावल गई रहे, वो फिल्म के कहानी रहे कि उनमें इनका शादी नहीं के होके दिया जा, लेकिन ये फिल्म बतावल जाता रहे कि शादी हो जाए हो गई बा अरविंद अग्रवाल कहलू के, लेकिन बस पति पत्नी के मिलाप नहीं के होकत। काहे कि अरविंद अग्रवाल कहलू के आत्मा मतलब अरविंद अग्रवाल कहलू के शरीर में एगो आत्मा बस और वो आत्मा चाहता है केहू के मिलन ना हो, प्रेम ना हो, केहू एक दूसरा के साथ मतलब ऐसा वाला प्रक्रिया ना करो और ना ही घर में केहू के शादी हो। और फाइनली भूत लोग के प्रॉब्लम का होगा शादी से मिलन से हम बड़ा सोचे नहीं, मतलब भोजपुरी वाला लोग के फिल्म जब भी बनेला ना ये प्रॉब्लम रहे, या तो शादी करे ना दियो से भूत, या तो शादी हो जी तो एक दूसरे से मिले ना दियो से भूत, मतलब भूत वालन के जिम्मे और ही कोनो काम हम नहीं का यार, मतलब हम सोच के भी हैरान रहे, मतलब भूत के जिम्मे और कोनो काम रहेला, ये शादी ना होके दही खाली, मिलन ना होके दही खाली, भैया हम सोच के हैरान परेशान बने। और फिल्म के डायरेक्टर लेखक साहब बढ़न जैसे कि संजय राय, संजय भैया हमको ये बताओ कि मतलब ये कैसे तारा मालूम चलल कि भूत हो तो मिलन ना होके दिल सन, मतलब भूत हो तो ब्याह ना कर दिलन सन, एक का मतलब होला, एक का लॉजिक होला, हम बहुत देर पर सोचल जाए, मतलब सोच के भी हम हैरान परेशान बने कि ऐसा सोच रहा लोग इन कहाँ से लावे नहीं जाए, सच बताओ मतलब कहाँ से आते हैं लोग, कौन है ये लोग, वो वाला मीम रोमा लोग इनके देख के मतलब याद पड़ जाए सला गजा बेचती है ऐसा वाला मीम याद पड़े ना रोमा लोग इनके देख के। तो भैया सच में कलयुगी ब्रह्मचारी फिल्म के नाम बा और बात ई वाला भूत वाला बटे कि बढ़िया ब्रह्मचारी बनावत बटे, तो इसमें कलयुगी ब्रह्मचारी होखला के कोनो सवाल है नहीं ना। एगो बोला कि भैया कलयुगी ब्रह्मचारी के मतलब ब्रह्मचारी बने कोशिश करते रहो और बाद में होने जाके मुँह मार लेते रहो, तो शायद ओकरा कलयुगी ब्रह्मचारी खाली कहल जा सकत रह, लेकिन एक का मतलब यार भूत ब्याह से रोकता भूत संभोग कहला से रोकता यार, सोच के भी हद, मतलब हिपोक्रेसी के सारा सीमा है फिल्म में, मतलब ये फिल्म के देखल ना देखल मतलब अंतर नहीं के पड़े के ना, एकदम नहीं के अंतर पड़े के भैया, मतलब भोजपुरी सिनेमा लोग अब ऐसा ऐसा कंसेप्ट लेके आते रह जाना कि सोच के भी मन प्रफुल्लित हो जाता, क्या हाल गर्व के बात बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कमाल के फिल्म करे इंडस्ट्रीज। तो फाइनली कहानी का बटे पर कहानी के नाम पर सुन के ही दबा होता, निर्माता निर्देशक अनिल कुमार उपाध्याय बने। अब अनिल कुमार उपाध्याय जी फिल्म के निर्माता भी बने निर्देशक भी बने, इनका अपना ऊपर गॉड से इतना बटे इनके पता बा कि भैया हम 40 लाख फिल्म में फूंक दिल बानी 1 करोड़ कमाई, इनका पता बा बात को, अब 1 करोड़ कमाई हन या 3 करोड़ कमाई हन हम कहने के पता उनकरा पता बा खाली। तो फाइनली ये फिल्म के कहानी ऐसा बा, फिल्म के काम ऐसा बा, फिल्म में गाना इतना ब्लॉकबस्टर बा कि ये गाँव रोबर दिमाग पर ना बैठे ना, अंत में फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हो जाए पहले का फिल्म रिलीज भैया। बाकी फिल्म के अगर स्टार कास्ट के बात कर जा तो अरविंद अकेला कल्लू, ऋचा दीक्षित, मनोज टाइगर, सुकेश मिश्रा, राम मणि त्रिपाठी और निशा तिवारी जैसा स्टार कास्ट लोग फिल्म में बाल। तो फाइनली फिल्म में और ही कुछ कहा बा हमारा खुद ने को समझ में हो सच बताओ। तो फाइनली कलयुगी ब्रह्मचारी के बारे में और ही हम कुछ कहा ही कहें रहो लोग जोन भी लागो कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए निश्चित भोजपुरी।